ओके सो गाइस, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा, सो वही स्टेटस हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा स्टेटस बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो ऐसा वीडियो नहीं बना पाओगे। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है दोस्तों। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को वो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आपको ये प्रीव्यू देखा जो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, ऐसा स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। सो उसे डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना वाटरमार्क का। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी दोस्तों, तो दोनों प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके अलर्ट मोशन में इनपुट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अलर्ट मोशन में इनपुट करने के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को ओपन करेंगे। सो गाइस, अगर अलर्ट मोशन में इनपुट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी से जाना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना बहुत ज़्यादा रहेगा मेरे लिए, तो जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अलर्ट मोशन को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ से अलर्ट मोशन को ओपन कर लूँगा दोस्तों। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सिंपली गाइस यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ओके फिर तो यहाँ पर हमारे सामने दो प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाएंगे, एक शेक इफेक्ट और एक बिटमार्क सॉन्ग। तो हमें गाइस क्या करना है, यहाँ पर बिटमार्क सॉन्ग ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक दो फोटो क्रिएट करना है। तो फोटो यहाँ पर यहाँ से बनाएंगे हम, तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें गाइस ये 1.1 का रेशो है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे, पिक्सल लेव लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका फोल्डर कोई सा भी आएगा उस पर क्लिक करना, जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर पर क्लिक करना और यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऊपर थ्री डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना और फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना, ठीक है दोस्तों। सो थोड़ा सा मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करने के बाद मैं इस फोटो को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, सॉरी गाइस, यहाँ से हम फोटो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से, सॉरी गाइस, इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो ये ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करना और यहाँ पर करंट फ्रेम PNG कर लेना, या फिर आप यहाँ से जिस तरह से भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो को कभी नहीं करना है दोस्तों, तो यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, करंट फ्रेम PNG कर लेंगे। उसके बाद इसी जगह दूसरा फोटो ले लेंगे, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद क्लोज कर देंगे और इसी जगह दूसरा फोटो ले लेंगे कलर एंड फिल में जाके, या फिर हम इसे डिलीट करके दूसरी फोटो को इसी भी हम ले लेंगे। तो यहाँ से मैं एक ये फ़ोटो ले लेता हूँ, प्लस के आइकन पर क्लिक करके इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से मैं एडजस्ट करके इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ये दोनों फोटो इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी हमारा बिटमार्क है उसे ओपन कर लेंगे, इसे डिलीट करके इस बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से ओपन करेंगे दोस्तों, ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो ऊपर ये एक शेप आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल में जाएंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे यहाँ, और जो भी हमने अभी फ़ोटो बनाई है उसे अलाइट मोशन का वो ओपन करेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह से फ़ोटो आ जाएगी, फिर सेकंड वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और कलर एंड फिल में जाएंगे, उसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और सेकंड फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे प्लस के आइकन पर क्लिक करके। सो गाइस, दोनों इस तरह से फ़ोटो लग जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद शेक इफेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने का दोस्तों हमें इस तरह से ओपन करना है, उसके बाद ऊपर ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसी पर डबल से क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी 23 लेयर कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें यहाँ से बैक चले जाना है दोस्तों, बैक जाने के बाद हमें फिर से बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करना है।
सो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आने के बाद आपको ये वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट 23 लेयर्स कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगा इफेक्ट यहाँ पर, और इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, वो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये इफेक्ट लग जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर गाइस, यहाँ पर जो ऊपर ये वाला तीर का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सो गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों।